अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 101 के सेकंड क्विज़ के साथ हाजिर हूँ। सेकंड क्विज़ मतलब क्विज़ 1 की सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, ये मैं आपको एक टिप बता दूँ कि आपके मिड टर्म होंगे तो उसमें आपने जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है उसकी बजाय आपने एमएस वर्ड के अंदर अपना टाइप करना है, ठीक है। एमएस वर्ड के अंदर टाइप करेंगे तो आपको जो एरर्स होंगे, मिस्टेक्स होंगी, वो सामने नज़र आती रहेंगी, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ इनके करेक्ट आंसर्स। ये तीन वर्ड्स हैं, यू अ बॉक्स कैरी, इसको आपने नेगेटिव सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यू डू नॉट कैरी अ बॉक्स, जैसे नॉर्मली होते हैं इंग्लिश के सेंटेंस, उसमें आपने नॉट लगा दिए, डू लगा दिए और आपका जो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब। दो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मतलब 20 मार्क्स के। अच्छा, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स दैट कम्प्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। गो स्ट्रेट ऑन अनटिल यू सी ए सुपर मार्केट ऑन द राइट, जैसे हम बताते हैं आप सीधे चलते जाएं यहाँ तक कि मार्केट नहीं आ जाती, ठीक है। कम्प्लीट द, ये दूसरा के क्वाइट ऑफन फहद्स फोन रिंग्स ड्यूरिंग अ मीटिंग, ठीक है। ड्यूरिंग अ मीटिंग आएगा, वाइल नहीं आएगा। और आगे फारा वॉज वेरी डिलाइटेड, डिलाइटेड का दूसरा मतलब होता है मीट, ओके। फार्मर कॉलेज फेलो ऑन अ सेमिनार, फारा वॉज वेरी डिलाइटेड टू मीट, टू मीट आएगा। द सेंटेंस दैट स्टेट्स द मेन आइडिया इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। वही होता है ना, जो जो आपका मेन आइडिया को बयान करता है, टॉपिक सेंटेंस ही आपको पता चल जाता है, मतलब पहली लाइन पढ़ के इंसान को पता चल जाता है कि। अच्छा, हैरी ट्रबल कॉज, इसको आपने नेगेटिव में बनाना है, हैरी डज नॉट कॉज ट्रबल, सही है ना। ये इस तरह के आसान आ रहे हैं, एक दो सवाल इस तरह के आ रहे हैं आपकी क्विज़ में, तो आपने जो है ना उसमें नॉट, डू नॉट या डज नॉट का इजाफा कर देना है, आपका जो है नंबर जो है पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कुछ ऐसे, एक मिनट। और टिप मैंने बतानी थी, हाँ, एमएस वर्ड का इस्तेमाल करिएगा, उसमें आपकी एरर्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं और आपने उधर से कॉपी करके अपने वो सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर देना। मैसेजेस आर आल्सो सेंड टू द स्पीकर्स फ्रॉम द लिसनर, दीज आर कॉल्ड, देखिए फीडबैक होती है कि आपको मैसेज मिल गया, आप उसके बदले में जो चाहे चेहरे के एक्सप्रेशन देते हैं या हूँ हाँ कर देते हैं आगे से, वो फीडबैक होती है, ठीक है। ये आपके और क्वेश्चन है, आपके शायद दूसरी बुक्स में भी ये वाला इस्तेमाल होता है मैस कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर, ठीक है। फीडबैक होती है जो आप मैसेज के जब रिसीवर रहते हैं उसके बदले में जो उस बंदे को सिग्नल्स पास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ दीज वर्ड्स इज द सिनोनिम्स ऑफ, नॉट अ सिनोनिम ऑफ प्रमोशन, ये बूस्ट, ये एलिवेशन, ये सारी इसके सिनोनिम है, एक्सेप्ट डिमोशन। प्रमोशन का ऑपोजिट होता है डिमोशन, वो एंटोनिम है, ठीक है। डिमोशन प्रमोशन का ऑपोजिट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज डिमोशन। ऑलराइट, ये भी आ रहा है एमसीक्यू आज। अच्छा, कम्युनिकेशन इज नॉट अफेक्टेड इफ लिसनर डू नॉट एग्री विद, अच्छा हाँ, कम्युनिकेशन अफेक्टिव नहीं होगी अनटिल अनलेस फीडबैक अगर नेगेटिव है तब भी वो कंप्लीट नहीं है। योर आइडियाज आर नॉट रिसीव बाय लिसनर, ये भी सही बात है, और लिसनर डू नॉट एग्री विद योर आइडियाज, ये तीनों करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट, इफ देयर इज नो रिसीवर्स देयर इज नो कम्युनिकेशन, अगर रिसीवर ही नहीं है तो फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन ही नहीं होगी। तो अगर रिसीवर नहीं है तो सेंडर हो सकता है, मीडिया भी हो सकते हैं, मैसेज भी हो सकते हैं, आपका रिसीवर नहीं होगा, ओके। टू क्रिएट अ कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेजेंट वर्क इन्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग शुड स्ट्रॉन्ग, ओके। जितनी किसी मैनेजर की कैपेबिलिटी होगी कि वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, उतनी वो अच्छी और कोऑपरेटिव और सक्सेसफुल होगा। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन कैन कन्वे एंड एनी अमाउंट ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, मेरे ख्याल में फॉल्स है। वर्बल कम्युनिकेशन में आप बहुत ज़्यादा मकदार में टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं पास कर सकते हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, ठीक है, आगे ये फॉल्स हो गए। वर्बल
की कुछ लिमिटेशंस हैं, और उससे ज़्यादा अगर बंदों को बंदे पे वो जो है नाक तक हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल वर्ड फ्रेज शोज़ द फैक्ट ड्यू टू, जिसकी वजह से, ड्यू टू वही है ना, मतलब आई एम नॉट अवेलेबल ड्यू टू माई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट्स, पर्सनल इंगेजमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसको भी आपने पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आई द क्वेश्चन आंसर, आई आंसर द क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने, मतलब वो इसी को आपने रीअरेंज कर देना, रीअरेंज का आ रहा है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। यू अ सॉन्ग सिंग, इसको आपने नेगेटिव में करना है, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखें कितने कुछ आसान आ रहे हैं आपके, कुछ मुश्किल आ रहे हैं। और अब अगर आपको मसला आ रहा है तो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर से बहुत कम पेपर आता है, डेफिनेशन वगैरह आ जाती है। द सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, ये एसेंस है डिसीजन मेकिंग का। एक मैनेजर को अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, वो मतलब नए नए डिसीजन, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन उसके पास करने को, मतलब वो उसको अगर टास्क मिल के वो कर सके। विच द फॉलोइंग फैक्टर इज इन्फ्लुएंशियल इन अडॉप्टिंग इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ये है आई थिंक ऑल आर करेक्ट, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस अक्रॉस, ऑल आर करेक्ट। अच्छा, इम्प्लिसिट पर्पस मींस पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड, वो एक्सप्लिसिट पर्पस होता है जो क्लियरली स्टेटेड होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट होता है छुपा मकसद, ओके। दिस कुड बी फॉल्स, ओह माय गॉड, दिस